अच्छा जी, मैं भी तो कहूँ आजकल पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। यार तू इसको इधर दे, ये मेरा सपना है। तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा राजेश। क्यों भाई? क्योंकि जितना तेरा एक महीने का खर्च है ना, उसका एक दिन ही ब्यूटी पार्लर का खर्चा है। उसे पाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मुझे अच्छी तरह आता है। मैं उसे हर हाल में अपना बना के रहूंगा, तुम देखते रहना। इसका मतलब तू अपने माँ बाप का सपना और अपना कैरियर चौपट करना चाहता है? मेरी बात मान, उसका ख्याल दिल से निकाल दे और पढ़ाई में मन लगा। मतलब तू भी और लड़कों की तरह मुझसे जलता है? मैं तेरा दोस्त हूँ राजेश, मैं तेरी भलाई चाहता हूँ। अगर तू मेरी भलाई चाहता ना, तो ऐसी तरकीब सोच कि रेखा मेरी ओर आकर्षित हो जाए। अरे यार ये क्या बताएगा, ये तो इस मामले में खुद बोंदू है। उसकी सहेली सीमा मुझे बता रही थी कि कल उसका जन्मदिन है। अगर तुम उसे खुश रखना चाहते हो तो कल उसे ऐसा तोहफा लाकर दो जिसे देखकर वो खुश हो जाए और उसे लगे कि तुम ही एक ऐसे लड़के हो जो उसे जीवन भर खुश रख सकते हो। अब तुम दोनों देखो मैं क्या करता हूँ। क्या करता हूँ? तुमने सोच रहा गुलाब के फूल तवा खुश हो जाएगी? भाई उसे तो कोई महंगा तोहफा लाकर देना पड़ेगा। हाँ तो दे देंगे। कहाँ से? कहीं से भी ला के दें, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को ही क्यों ना बेचना पड़े, पर तेरे से फूटी कौड़ी ना मांगने का हूं। अब तुम देखो दोनों मैं क्या करता हूं। देखा, इसे कहते हैं आशिक। ये एक ना एक दिन जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हैप्पी बर्थडे रेखा। थैंक्स। बट तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? जाने वाले तो हर बात की खबर रखते हैं डार्लिंग। तुम क्या खाती हो, क्या पीती हो, क्या तुम्हें पसंद है क्या नहीं, इनका बस चले तो ये तुम्हारी हर धड़कन की खबर रखे। क्यों राजेश? बिल्कुल सही फरमाया आपने। भला कौन नहीं चाहेगा कि इनका खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने रहे। अच्छा, हम आपको इतने अच्छे लगे? बिल्कुल। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। सोने की है? प्योर सोने की। तो कैसा लगा हमारा तोहफा? बहुत ही प्यारा तोहफा है, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा, अब इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए जरा बताइए। बस ज्यादा कुछ नहीं, कभी इनके दीदार करने का मन करे तो ये मना नहीं करेंगे। बस इतनी छोटी सी डिमांड? तुम चाहो तो इन देवी के रोज दर्शन कर सकते हो और जितना चढ़ावा चढ़ाना चाहो उतना चढ़ा सकते हो। क्यों रेखा? अरे बाप रे, कितना टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। हाँ चलो चलो, थोड़ी देर तो रुक जाती। अब चलते, कभी और मिलते हैं। ओके बाय। बाय बाय। दिमाग खराब हो गया बस, क्या करें तो यार। कहाँ गई? अरे यार टोनी, कैसे परेशान है, क्या बात है? परेशान यार, मोटरसाइकिल खड़ी थी मेरी यहाँ। अच्छा। अरे भाई पता नहीं कहाँ गई। जरूर किसी चोर ने हाथ साफ किया होगा, हमें थाने जाकर रिपोर्ट लिखानी चाहिए। चल यार थाने चल रही। चल। अरे किसकी रिपोर्ट लिखवाने की बात कर रहे हो भाई? अरे मोटरसाइकिल चोरी हो गई, रिपोर्ट करने जा रहे थाने में। तो थाने जाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। क्या मतलब? अबे तू कोई थानेदार है क्या? अरे भाई थानेदार ना हूँ मैं ही, वो चोर हूँ। अबे क्यों मजाक कर रहा है यार, ये पहले ही बहुत दुखी है। देख भाई मैं सही कह रहा हूँ, तू तो जानता है कल रेखा का बर्थडे था। हाँ? पैसे मेरे पास थे नहीं तो मुझे पैसों की जरूरत थी। अच्छा। तो बस इसीलिए इसकी बाइक को मैंने 5,000 रुपए में गिरवी रख के उसको गिफ्ट दे दिया। बस उड़ाल पीला हो रहा है, अरे दोस्ती तो दोस्त के काम आ रहा है। मेरी बाइक के पैसे दे, अभी दे। सबर रख सबर रख, ऐसा मेरी बात सुन, कल मुझे पैसे मिल जाएंगे कल तेरी बाइक दे दूंगा।
कल है तो कल ही है। हाँ हाँ पूरी जिंदगी तेरे से बात नहीं करने का। हाँ थोड़े यार तुम तो ऐसा पकड़ रहे हो जैसा मैं अनजान हूँ। मैं गिरवी तो रखी है बेची थोड़ी ना, कह दी कल दे दूंगा, बात खत्म हो गई। अबे यार टोनी ये तो सच में ही बहुत बड़ा पागल आशिक है। तू देखना एक दिन ये बहुत बड़ा चोर बनेगा। अब कल देखते हैं क्या होता है। आपके चेहरे से नजर हटती ही नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं? पर उसके लिए हमें तो हमेशा साथ में रहना पड़ेगा। हाँ मैं तैयार हूँ। आप कहोगे घूमने के लिए, मैं घूमने के लिए तैयार हूँ। जहाँ जाना चाहोगे वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। आप एक बार हाथ उठाइए। पर देखो मुझे बस में जाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। और तुम्हारे पास? मेरे पास गाड़ी है ना। अरे वो गांव में है, मेरे पापा बहुत रिच है, मैं उनको फोन करूंगा कल ही मेरी गाड़ी आ जाएगी। अच्छा चलो फिर तो ठीक है। अच्छा चलो अब मैं जाती हूँ, वरना कोई ऐसे देख लेगा तो गजब हो जाएगा। इतनी जल्दी क्यों मचा रही है यार? अभी तो आए हो, कुछ देर और बातें करो ना मेरे से। अरे नहीं मैं जा रही हूँ। अरे कोई अरे तुम्हारा फ्रेंड आया। अगर आशिकी से फुर्सत मिल गई हो तो एक बुरी खबर भी सुन लो। बुरी खबर? क्या हो गया? अपनी आशिकी में जिसकी तुमने बाइक बेची थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ अगर थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बाकी है तो जाकर उसका पता ले लो। कौन से हॉस्पिटल में है वो? ये तो मुझे पता नहीं, तुम उसके घर जाओ वहाँ से पता चल जाएगा। तू साथ नहीं चलेगा? ऐसा करो तुम वहाँ जाकर मुझे फोन कर देना, मैं वहीं पहुँचता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है। हाजिर है मैम साहब, बताइए कहाँ चलना है। अरे वाह तुम तो अपने वादे के पक्के निकले। मैंने कहा था ना कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सोच क्या रही है रेखा, मेरे लिए इतनी प्यार से कोई स्कूटी भी लेकर आता ना तो खुशी खुशी मैं उसके साथ बैठकर चली जाती। और ये तो तुम्हारे लिए गाड़ी लेके आए हैं। चल बाय। चलो बाय बाय। तो कहाँ चलना है मैम साहब बताइए। तो गुलाम के लिए आदेश कीजिए मैम साहब। अरे वाओ कि कितना प्यारा हार है यार, देखो काश ये मेरा होता। बस इतनी सी बात? कुछ ही दिनों में ये हार तुम्हारे पास होगा। सच में? प्रॉमिस। चलें। मैं राजेश, वो टोनी का दोस्त। मैंने कुछ टोनी के बारे में सुना, क्या वो बात सही है? क्या बताऊं बेटा, हंसता खेलता परिवार था मेरा, मेरे बच्चे को पता नहीं किसकी नजर लग गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि जल्दी ऑपरेशन कराना होगा वरना उसकी जान भी जा सकती है। तो अभी आप कहाँ जा रही हैं, हॉस्पिटल? नहीं मैं लाला के पास जा रही हूँ अपने मकान के कागज रखने के लिए, क्योंकि 1.5 लाख रुपए जमा करने के लिए बोला है। वैसे कौन से हॉस्पिटल में है वो? सिटी हॉस्पिटल। तो ठीक है माँ जी, आप पैसे लेके हॉस्पिटल पहुँचिए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। ठीक है बेटा।
ये 50,000 रुपये दिए थे धनु को और ये 1,00,000 रुपये मन्नु को और ये 70,000 रुपये किसको दिए थे मैंने किसको दिए थे हाँ वाले को लाला जी राम राम अरे राम 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 आइए सुनीता जी बैठिए 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 और सुनाइए कैसा आना हुआ बस लाला जी मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ लाला जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है डॉक्टर ने बोला है 3,00,000 रुपये जमा करने हैं लाला जी मेरा बच्चा नहीं बचेगा आपकी मदद चाहिए लाला जी अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो हम बैठे किस लिए हैं लेकिन आप एक बात तो जानती है ना कि बिना कुछ रखे हम पैसे नहीं देते अरे कुछ तो लाई होगी गहने जेवर या प्रॉपर्टी के कोई कागज मुझे पता था लाला जी कि आप ऐसा ही सवाल करोगे इसलिए मैं अपने मकान के कागज लाई थी ले लीजिए लाइए 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 मैं देख लेता हूँ एक बार सही है या नहीं ठीक है ठीक है कागज तो बिल्कुल सही है ये लो ये लो एक दो और ये 3 लेकिन सुनीता जी जी लाला जी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी जी एक साइन कर दो बस फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं जी लाला जी हाँ ये जरा साइन कर दो आप कर दो हाँ यही कर दो आप साइन लीजिए हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी आप मेरे लिए भगवान का रूप बन के आए हो अरे नहीं बहुत धन्यवाद भगवान मत कहो मुझे भगवान मत कहो ये सब भगवान ने दिए हैं मुझे दिए हैं मेरे माध्यम से तुम तक जा रहे हो जब ये पैसे लौटा दोगी अपने कागज ले जाना वरना ब्याज बराबर देना पड़ेगा ये बात समझ लेना मुझे मंजूर है लाला जी अब फिर देर मत करो जल्दी से जाओ ये लो पैसे और ये लो अपना थैला इसमें रख के ले जाना आजकल चोर उचक्के बहुत घूम रहे हैं याद रखना जरा ध्यान से जाना आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी मैं सारी जिंदगी भी आपका परोपकार मानूं तो कम है आपका धन्यवाद अच्छा लाला जी मुझे इजाजत दीजिए ठीक है मेरा बेटा अस्पताल में मुझे पैसे लेके पहुंचना है जल्दी जाइए देर मत करो हे भगवान तुम मुझे इतना देते रहना जो मैं इनको देता रहूं और अपना ब्याज लेता रहूं Ha 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 ha
बहुत खुश दिखाई दे रहे हो अपनी कामयाबी पर। क्या करोगे इन पैसों का? इन पैसों की मैं एक गाड़ी खरीदूंगा और अपनी रेखा को बड़े बड़े होटलों में घुमाऊंगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रह सके, समझा? और तुम्हारा दोस्त टोनी, सोचा है उसके बारे में जो वहां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है? तो मैं क्या करूं? ये जो पैसे तुम चोरी करके लाए हो ना, इससे तुम्हारे दोस्त की जान बच सकती है। अगर अब भी थोड़ी बहुत शर्म है तो जा लौटा दे ये पैसे और बचा ले अपने दोस्त की जान। नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं दूंगा। वो कल का मरता आज मर जाओ। मैं रेखा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, समझा? फैसला तुम्हारे हाथ में है राजेश। एक तरफ तुम्हारा दोस्त है जिसने सुख दुख में तुम्हारा हमेशा साथ दिया, और एक तरफ प्रेमिका। फैसला अब तुम्हें करना है, दोस्त चाहिए या प्रेमिका? बोलो राजेश, बोलो। रेखा, उस पर ऐसे एक या हजार दोस्त कुर्बान कर सकता हूँ। रेखा मेरी है और उसे मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा, समझा? एक बार फिर सोच ले राजेश, अगर तूने ये पैसे नहीं लौटाए तो टोनी मर जाएगा। अरे वो कल का मरता आज मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तू मुझे क्या समझा रहा है? सत्यानाश हो उसका जो मेरे बच्चे के इलाज के पैसे ले गया, उसे भगवान नहीं बख्शे। सत्यानाश हो उसका, मेरे बच्चे उठ जा, उठ जा, तेरी बहुत तुझे बुला रही है, उठ जा। तुझे क्या हो गया? ए भगवान, ए भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे कमबख्त, तूने मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ ऐसा करा, उसका बेड़ा गर्क हो गया, उसका सत्यानाश हो गया। चाची दो मत, उठ जा, उठ जा। ए भगवान, मैं कैसे जीऊंगी? तेरा सत्यानाश हो, तूने मेरे बच्चे की जिंदगी छीन ली। हिलने की कोशिश करी, गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इससे प्यार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं इससे प्यार करता हूं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानती इसे, ये कौन है? ये चोर है, पता नहीं, मैं नहीं जानती ये यहां क्यों आया है। सच सच बता दे कि बात क्या है। अगर मैं अपनी औकात पे आया तो तुझसे सारी सच्चाई उगलवा लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं इससे प्यार करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं इससे प्यार नहीं करता तो मैं यहाँ क्यों आता? आप कुछ ही सोचिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं भला इस चोर से क्यों प्यार करूंगी? यही मेरे पीछे पड़ा है, मैं तो बस इससे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। सच सच बता दे कि बात क्या है, या मैं अपने तरीके से पूछूं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने चोरी क्यों की? प्यार के लिए। और आज ये कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते कि मैंने क्या क्या नहीं खोया। अरे अपने भाई जैसे दोस्त को खो दिया मैंने। जो आज इस दुनिया में नहीं था। अरे बेवफा, जान मेरा साफ है तुझे। अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। तुझे
मेरी बात तेरे पहले समझ में आया थी तो तुझे ये दिन आज देखना नहीं पड़ता। जो कहना है थाने में लेके दियो। और तमीज लड़की, क्या मैंने तुझे यही सिखाया था? तो तू चोर से क्या करे? सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो।